बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। यूपी की सियासत में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान की भी एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मेरठ में किसान सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का मेहमान बताते हुए कह दिया कि ओवैसी तो बीजेपी के चाचा जान हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसका फूल आशीर्वाद है, वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, भुला करे बहुत मन्नत के बात में, आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब एआरपी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। ओवैसी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। टिकैत के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी ने एतराज जताते हुए राकेश टिकैत पर ही सवाल उठाया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि बीकेयू नेता कितने सेक्युलर हैं, ये हमारे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। ये 2017 और 2019 के चुनाव में भाजपा के लिए काम कर रहे थे, आज मन से खड़े होकर नारे लगवा रहे हैं, लेकिन जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब ये कहां थे। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान के बहाने यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। इन बयानों को देखते हुए तो यही लगता है कि यूपी चुनाव विकास के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।